माननीय चेयरमैन महोदया, हमारी वित्त मंत्री जी ने अब ये एडिशनल एक्सपेंडिचर का 4,36,00,00,000 का फिस्कल अपने सदन में पेश किया है। उसमें 1,09,00,000 इसके लिए फर्टिलाइजर्स के लिए है और सब्सिडी भी फूड पे 80,348,00,000 की है। अब इसमें देखते हैं तो किसानों की अवस्था जो है वो आज भी इतनी बुरी है कि आप जानती हो कि पिछले वर्ष में खास करके जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 तक जो वातावरण में बदलाव आए उसमें 3 से 4 दिनों में 271 दिन विभिन्न वातावरण रहा। उसमें 2,592 किसानों की मृत्यु हुई, 1.81 दशलक्ष हेक्टर उपज खत्म हुई, बर्बाद हुई, 4,22,812 घरों का नुकसान हुआ, 69,390 जानवरों की मृत्यु हुई। ये पूरे देश की हालत है। इसमें हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारी मृत्यु हुई। आप जानती हो कि महाराष्ट्र में तौक्ते और एक निसर्ग नाम का चक्रवात आया। उस चक्रवात में हम अपेक्षा कर रहे थे कि राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से हमें बहुत मदद मिलेगी, लेकिन जितनी मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद मिली नहीं। उसमें महाराष्ट्र में भी जिस तरह का वातावरण बदल आया उसमें 67 डेज भारी वर्षा हुई, बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ, 54 दिनों में बिजली और तूफान हुआ, 24 दिन गर्मी में गए। ये सारे वातावरण के बदलाव का परिणाम हमारे किसानों पर होते रहा। और इसमें फसल बीमा योजना जो आपकी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी, माननीय अर्थमंत्री जी यहाँ राज्य मंत्री जी बैठे हैं, आप जानते हो कि बीमा कंपनियां किस तरह के चेक दे रहे हमारे किसानों को, 52 रुपया 50 रुपया। तो ये फसल योजना है या फंसी हुई योजना है, इसके ऊपर भी आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर अपना भाष्य करें। हमारे यहाँ गाँव में जो PMGSY में जो रास्ते बनने हैं, सड़कों की मांग है, उस सड़कों की मांग पर आज सुबह हमारे विनायक राव जी का भी और हमारे ओम राजे निम्बालकर का सवाल था। उस सवाल में भी आप देखिए कि PMGSY में जो सड़कों की मांग होती है 6,000 किलोमीटर की बात ही है, इस बार तो सिर्फ 271 किलोमीटर दिए, तो 3,000 किलोमीटर बचे हुए हैं। इतने इतने छोटे छोटे दे दोगे, छत्तीसगढ़ को जब 5,000 किलोमीटर देते हो तो महाराष्ट्र को 400 किलोमीटर देते हो, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं मांग करता हूँ। सागरमाला योजना के तहत 70 करोड़ रुपये आपने दिया, आप महाराष्ट्र के हो, विशाखापट्टनम का पुनर्विकास के लिए पैसे दिए, बहुत स्वागत करता हूँ। क्यों मुंबई बंदरगाह के बारे में बात नहीं करते? जब हमारे मंत्री जी आदरणीय गडकरी साहब थे तो उन्होंने पूरे पूर्व किनारे का विकास करने की बात की थी, एक प्रोजेक्ट बनाया था, आज तक उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी सागरमाला में ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुंबई बंदरगाह, JNPT बंदरगाह, वहां अदानी पोर्ट की बात होती है, दोनों बंदरगाह डब्बे में जा रहे हैं और कुछ भी नहीं मदद करेंगे, आप ध्यान में नहीं दोगे। आप महाराष्ट्र के होकर भी ये वो तो छोड़ो, मुंबई भी ये मत सोचो, ये महाराष्ट्र का अभिमान की बात होगी अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे। और आपके पास अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में आपने दिया, आप जानते हो मुंबई के दूरदर्शन पर आप जाइए, वहाँ के कर्मचारियों की हालत बहुत है, खास करके कल्चर जो एक्टर्स है उनके बारे में भी बहुत बड़े सवाल है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये तो बहुत बड़ी समस्या अभी देश में खड़ी हुई है। माननीय चेयरमैन मैडम, हमारे मंत्री जी कहते हैं कॉलेजियम नहीं चाहिए, फाइल क्यों भेजते हो? वहां से राष्ट्रीय जो न्याय आयोग बना उसको बर्खास्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये लड़ाई अपने लिए अच्छी नहीं है। संविधान के तहत जो चारों महत्वपूर्ण स्तंभ है, अगर वो आपसे लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो न्याय किस कब मिलेगा? आप लगता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपने 12,000 करोड़ दिया, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन एक बात आपको बोलता हूँ कि हमारे मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस था, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुआ। हमने केवाड़िया स्टेशन बनाया, हमारे आदरणीय लोह पुरुष
वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बनाया, स्टेशन के उसके परिसीमा में भी स्टैचू बनाया, हमने कर्नाटक में विश्वेश्वरय का स्टैचू बनाया, एक इंटरनेशनल स्टेशन बनाया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू नहीं है। और वो स्टैचू बनाया था, फिर भी आज तक वो स्टैचू वहां नहीं बन रहा है। अब वो वहां के जीएम कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, तो स्टैचू कैसे बनाया था? पुतला तो बनाया था। तो मैं मांग करते रहा हूं आपकी उसमें ये स्टैचू जल्दी से जल्द बन जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अच्छी बात की आपने, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए भी और न्यूक्लियर रिसाइकलिंग बॉन्ड के लिए पैसे दिए। सर परसों मैं इतवार को मैं अणुशक्ति नगर में गया था, वहां की यूनियन का कुछ प्रोग्राम था, तो वहां एक 5 मिनट लगेंगे प्लीज। वहां ये मांग हुई कि मुझे बुरा लगा इस बात का, इतना महत्वपूर्ण अभिमान का वो एटॉमिक एनर्जी का प्रकल्प, वहां के कर्मचारियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा असंतोष वहां पैदा हुआ है। मैं आपको विनती करता हूं उसके आप ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी। एमटीएल बीएनसीएल के बारे में तो सभी बता रहे, आपने उसका जो वैलिडिटी गैप फंडिंग किया है स्वागत करता हूं। 1.64 करोड़ का वो बना था, 22 जुलाई की जो मीटिंग हुई कैबिनेट में उसमें 1.65 करोड़ का आपने रिवाइवल पैकेज दिया है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर जब मर्जर की बात नहीं हो रही, इसमें एमटीएल को पूरा मतलब दुर्लक्षित किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं मुंबई और दिल्ली शहर में हम सर्विस दे रहे, आप यहाँ ही इतनी तकलीफ दीजिए, देखो अपनी सर्विस कैसी है। मैडम एक पाँच दो मिनट में खत्म, तो एटलीस्ट मैं अपेक्षा करता हूँ वो मर्जर की जो बात है वो जल्दी से जल्दी करिए और उससे लोगों को हमारे कर्मचारी को राहत दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आप जानते हो मुंबई शहर में एनटीसी कितनी मिली, उसका पुनर्विकास की बात आती है, उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, समय कम है इसके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपने जो दिया है उसमें मैं बार बार मांग करता हूँ, नए बच्चे को साइबर क्राइम सिखाओ, मॉरल सिखाओ, क्योंकि आजकल बच्चे जो जिस तरह से अपराध में मिल रहे हैं वो बहुत बुरा लग रहा है। राष्ट्रीय संपत्ति का उसको उनको एक कल्चर पैदा करने की आवश्यकता है, स्वच्छता अभियान की करने की आवश्यकता है, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर में दो ही मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा बोलता हूँ और LIC का जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट की जो बात की है, LIC को आपने कहा कि IDBI बैंक के आपकी जो 15% स्टेक था वो 51% करने को लगाया और LIC ने 25,000 करोड़ रुपया IDBI में डाला। अब आप कहते हो कि LIC के शेयर 30% वापस बेचने को ला रहे हो और बिकने जा रहे, तो LIC ने वो 60 रुपीज में खरीदा था, अब कितने क्या दाम में आप बेचने जा रहे हो? और उसमें आपने यहाँ जो रिपील एक्ट IDBI का रिपील एक्ट बना था तो कर्मचारियों को गारंटी दी थी कि आपके जॉब सुरक्षित रहेंगे, इसके बारे में उनके मन में शंका है और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक वाक्य में करता हूँ, और इसलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात आ रही है वो बहुत बहुत गंभीर प्रश्न लेगी। किसानों के बारे में दुर्लक्ष हुआ, आज कर्मचारियों के बारे में दुर्लक्षित हो रहा है और इसके लिए कहीं भी प्रावधान नहीं है। हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड एटलीस्ट कुछ उनको कुछ देने के लिए तो रखो, कोई रहा ही नहीं, जॉब नहीं, कंपनियां बंद करते जा रहे हो और लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट